हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रूपेश और आज के एपिसोड में मैं आपको बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में लेकर जाने वाला हूँ। और आज जो हम जाने वाले हैं उनई माता जी का मंदिर है, जिसमें रामायण के साथ इसकी स्टोरी जुड़ी हुई है। तो गाइस, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और आज मेरे साथ है मेरी पूरी फैमिली, पीछे मेरी वाइफ दिख रही होगी, पीछे है मम्मी मान और ये सुंदर सी आयुषी। सो गाइस, मिलते हैं मंदिर में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करना। वीडियो शुरू करता हूँ, लेट्स गो प्ले। सो फाइनली गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं उनई माता जी के मंदिर में। अभी हमने यहाँ गाड़ी पार्किंग की है, अब अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो चलो दर्शन करते हैं माता जी के, आ जाओ। तो गाइस, हम लोग उनई माता में मंदिर में आ गए हैं और मेरे साथ एक अंकल है जो इस मंदिर की काफ़ी जानकारी रखते हैं। इनसे मिलते हैं और इनका नाम जानते हैं। सर, आपका नाम बताइए। छना भाई बी पटेल। तो छना भाई, हमारे दर्शकों को इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये मंदिर का ऐसा है कि कम से कम 10,000 साल पहले यहाँ बहुत बड़ा जंगल एरिया था और ये जंगल में कोई ऐसा रोड के घर कोई पिच नहीं थे। मगर उस टाइम रामायण के टाइम पे राम लक्ष्मण सीता और इनका फैमिली के साथ 50 से 100 आदमी कम से कम यहाँ आए। उस टाइम जंगल के एरिया हिसाब से एक बहुत बड़ा झाड़ था, यहाँ इन लोग ने आराम करने के लिए बैठे। उस टाइम सीता जी को ये हुआ कि हमको बहुत प्यास लगी है, तो प्यास के बारे में हमको पानी चाहिए। इसने राम को सवाल किया था। राम बोलता, यहाँ कहाँ से लाऊँ, यहाँ जंगल है, कहाँ ढूँढूँ, कहाँ जाऊँ। फिर भी बोला, तुम भगवान का आदमी हो, यहाँ ही हमको चाहिए। फिर राम ने कुछ आइडिया लगाए, यहाँ 2-3 तीर मारे और पानी का फुहारा निकला ठंडा, और ये ठंडा पानी से सब लोग ने पिया। और पीने के बाद आधा घंटे 1.5 घंटे के बाद सीता जी को दिल में ऐसा हुआ कि हमको बाथ करना है, नहाने का है, हमको गर्म पानी चाहिए। तो उस वक्त राम ने बोला, अभी गर्म पानी कहाँ से करेंगे, कहाँ से बर्तन लाएंगे, कहाँ से ये लाएंगे। बोला, ऐसा नहीं, हमको चाहिए। फिर राम ने यहाँ 2-3 बांध और लगाए, फिर गर्म पानी का कुंड उत्पादन हुआ। और इस गांव का नाम पहले चरवी था, मगर उसका नाम नया हुआ उनई, यानी UNAI। फिर उसने पूछा, आई एम रेडी ऑफ द बात। फिर राम ने बोला, ठीक है, तो उसका नाम उनई, तो हूँ नई गुजराती माँ, ऐसा सवाल हो गया। फिर बाद में जो साथ में आदमी थे, इन लोग ने बोला कि हम लोग को भी नहाने का है, तो हम लोग यहाँ नहीं, हम लोग को अलग कुंड चाहिए थे। इनके अंडरग्राउंड से साइड में नया कुंड बनाया है, यहाँ पानी ऑटोमेटिक आता है। यहाँ जो पत वाले थे, कोई कोड वाले थे, कोई दर्द वाले थे, इन लोग ने वहाँ नहाया और सब शरीर के दुख मिट गया। और यहाँ का ये है। और यहाँ उसके बाद भाजप सरकार आई, तो नरेंद्र मोदी साहब ने थोड़ी कुछ मदद किया, 3-3.5 करोड़। तो 10-12 साल में डेवलपमेंट फर्स्ट क्लास मंदिर का हो गया। और यहाँ आने जाने के लिए
रास्ता ऐसा है कि नासिक जाओ, बॉम्बे जाओ, अहमदाबाद जाओ, वाया होता है, तो यहाँ हर एक पर्यटन यहाँ कम डाउन होते हैं, आने के बाद दर्शन करके फिर यहाँ से विदाई होते हैं। अच्छा। और इस वजह से इस गांव का डेवलपमेंट भी ठीक हुआ। उससे पहले कुछ नहीं था, मगर 20 साल के अंदर जितना हुआ ना, इतना सब भाजपा की सरकार की तरफ से हुआ है। अच्छा। तो ठीक है गाइस, सर से मिलकर काफ़ी मजा आया। चलो चलते हैं अंदर और माता जी के दर्शन करते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अंदर मंदिर में कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर का वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा, बट मैंने परमिशन ली है दो फोटो खींचने की, तो वो मैं रख देता हूँ, उससे आप माता जी के दर्शन कर लेना। ठीक है, तो चलो चलते हैं अंदर और बाहर फिर मैं आपको यहाँ का बाज़ार भी दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ।
तो गाइस माता जी का पूरा दर्शन हो गया, हमने तो पूरा दर्शन किया, बट आपको मैं अच्छे से इस वीडियो में करा नहीं पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि परमिशन ही नहीं मिला, सिर्फ दो फोटो का मिला जो मैं अंदर रखने मैंने रख दिया है। तो गाइस हम लोग को तो काफ़ी मज़ा आया, हमने काफ़ी इन्जॉय किया इधर आके, और यहाँ का शॉपिंग बाज़ार है वो भी मैंने आपको यहाँ का एक्सप्लोर किया। तो ठीक है गाइस, आप लोग इधर पर आइए, काफ़ी अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है। तो वीडियो कैसा लगा लास्ट तक देख लियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।